इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज T10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 2 जो आज का लास्ट T10 भी रहने वाला है जो आपका खेला जा रहा है SCL और VFNR टीम के बीच में। ये जो मैच है दोस्तों रात के 12 बजे से खेला जाएगा। कल के दिन भी दोस्तों जो इस टाइम में मैच हुआ था हम लोगों ने भाई साहब यार उस मैच में ना नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस किया था। मैंने अपना कल के मैच का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ जिससे आपको भी पता चले कैसा परफॉर्मेंस रहा था। ये आप दोस्तों देखोगे कल का मैच खेला गया था CCMH और SSCS टीम के बीच में। ये अपना दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे मैंने दोस्तों टीम अपना शेयर किया था और इसका रिजल्ट मैं आपको नीचे शेयर करता हूँ। आप देखोगे 2 बजे मैच खत्म हुआ था। कैप्टन बीसी बोथ ऑन फायर, कैप्टन बीसी जिसको मैंने किया था दोनों ने 100 से ऊपर फैंटेसी पॉइंट दिया और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा 686 फैंटेसी पॉइंट रहा था जिसमें नेक्स्ट लेवल सभी मेंबर ने ना अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था। आप रिजल्ट देखोगे ये मेंबर का मैसेज है, मैसेज से ही पता चल जाएगा कैसा रिजल्ट रहा है। सभी मेंबर ने एक सिंगल कॉन्टेस्ट भी लॉस नहीं किया, सभी मेंबर ने विन किया। लॉस रिकवर सर एवरी मेंबर दोस्तों विन। और देखो सभी मेंबर ने रात के 2 बजे 3 बजे रिजल्ट शेयर किया, इसे आप समझ सकते हो कि अपने मेंबर कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ईच एंड एवरी मेंबर का अल्ट्रा क्लीन स्वीप आप देखोगे सभी मेंबर का रिजल्ट। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आप लोग भी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि देखिए जो मैं अभी आपको फाइनल टीम वीडियो में दे रहा हूँ ना उसमें यदि कोई प्लेयर नहीं खेलता या कोई चेंज करना होगा तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा, लिंक इसका ना इसी वीडियो के नीचे जाइए, देखिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने दे दिया है और कॉमेंट सेक्शन में भी इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वहाँ से जाके आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग SCL और VFNR के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे आपको जे चार्ल्स का ऑप्शन मिलेगा जो डेफिनेटली दोस्तों आपकी टीम में होने चाहिए, इसमें दोस्तों कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जे चार्ल्स कैप्टन के लिए भी दोस्तों इस मैच में ना सबसे सेफ ऑप्शन है, ओपन बैटिंग करेंगे और पार्ट टाइम दोस्तों आपको एक ओवर का बॉलिंग भी कर सकते हैं। बॉलिंग का फिक्स नहीं रहता है लेकिन एक ओवर मेरे को लग रहा है इस मैच में करना चाहिए। और ओपन बैटिंग कर रहे हैं बड़े लेवल के दोस्तों प्लेयर है, जब चलते हैं तो यार 100 से ऊपर फैंटेसी पॉइंट दे के जाते हैं, ज़रूर आप लेके चलो। नीचे दोस्तों आपको सी चैलेंजर का ऑप्शन मिलेगा, परफॉर्मेंस यार बहुत ख़राब रहा है, खेले तब भी आप ड्रॉप करके चलना नहीं ट्राई करना है। केल यूरा भी दोस्तों बहुत ही नीचे बैटिंग करते हैं, आपको 4 से 5 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं इसलिए इनको भी आप ड्रॉप कर लो। जे पीटर लास्ट मैच में अनएक्सपेक्टेड एक ओवर का बॉलिंग करके 1 विकेट ले लिए थे, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों ये बॉलिंग नहीं करते हैं ठीक ना, और बैटिंग से तो इनका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ओवरऑल देखो तो उतने खास ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहे हैं। मेरे को जो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं यही रिकमेंड करूँगा जे चार्ल्स को आप सिर्फ टीम में ले लेना। बैटिंग सेक्शन में आइएगा दोस्तों, सच बताऊँ बैटिंग सेक्शन में ना कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। बट ऐसा तो आपको जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको एक प्लेयर को स्टिल टीम में लेना पड़ेगा। अब वो एक प्लेयर कौन हम लोग लेंगे इसको आप समझो। एम यूरिस बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं, बॉलिंग दोस्तों कर नहीं रहे हैं, फर्स्ट तो ड्रॉप कर दो। ए वार्ड का भी दोस्तों सेम वही स्टोरी रहा है, बैटिंग डेफिनेटली ये ऊपर कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस तो करके दे बहुत ख़राब दोस्तों इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इनको भी मैं नहीं ट्राई करूँगा। सिलेक्शन हाई है, आप ट्राई करना चाहते हो, सेफ जाना चाहते हो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस एक भी मैच में नहीं आया इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। सी चैलेंजर दोस्तों मेरे को ना स्मॉली के लिए एक अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं जिनको हम लोग ले सकते हैं। देखो सिलेक्शन 87% है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में एक ओवर का बॉलिंग भी किया था और आपको बैटिंग ध्यान रखिएगा सभी मैच में ओपन नहीं तो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ जाते हैं, तो ये एक इनका बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे को दिखा तो इसलिए मैं इनको बैक कर रहा हूँ। आप इनके जगह ए वाट को भी ले सकते हो, दोनों को एक साथ मत लेना नहीं ना, यदि आप दोनों को एक साथ लेते हो तो ध्यान रखना दोस्तों आपका लॉस का हाई चांस रहेगा क्योंकि दोनों दोस्तों एक साथ तो कतई परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक ही करेगा। डी एंटोनी दोस्तों इनका भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, डब्ल्यू क्लॉप्स को भी आप ड्रॉप करके चलो। के वाट एक अच्छा प्लेयर है बट पूरे टूर्नामेंट में दोस्तों एकदम जूझ रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से, किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इनको ना थोड़ा ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में आप इन पर थोड़ा रोटेशन जरूर यूज़ करना, एक ही दो में करना, ज़्यादा टीम में मैं नहीं बोलूँगा बट आप थोड़ा सा फोकस इन पर ज़रूर रखिएगा। ओके और कोई ऑप्शन दोस्तों है नहीं। आ जाते हैं इधर ऑलराउंडर सेक्शन में, ए पोर्स मस्ट पिक है, एस जेब्रल मस्ट पिक है। पोर्स आपको ध्यान रखना
तीन नंबर पे आके बैटिंग के साथ साथ दो ओवर का बॉलिंग आपको कंफर्म देंगे, दो ओवर का कंफर्म बॉलिंग करेंगे। एक्स गर्बियल का दोस्तों देखो बैटिंग से ही ये मेनली आपको परफॉर्मेंस करेगा, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आता है, बैटिंग से आपको बॉलिंग से आपको फोकस नहीं रखना है, बॉलिंग बहुत कम करते हैं। के पॉल दोस्तों देखो टूर्नामेंट में बहुत झकास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। के पॉल ने टोटल तीन मैच खेले हैं जिसमें एक ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था, अदर दोनों मैच में फ्लॉप रहे थे। तो इनके जगह किसी अदर प्लेयर को आप ट्राई करना चाहते हो, आप फ्री हो दोस्तों ट्राई करने को। नीचे आपको ए प्रिंस का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट मैच में अनएक्सपेक्टेड एक ओवर का बॉलिंग कर गए थे, लेकिन इस मैच में भी दोस्तों देखो मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, बैटिंग से तो इनका कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड, तो बैटिंग से उम्मीद रखना ही बेकार है। बॉलिंग से ठीक ठाक रिकॉर्ड था, डोमेस्टिक लेवल पर 4 T20 में 1 विकेट लिए थे, और अपने फर्स्ट मैच में भी कैप्टन ने इनको एक ओवर का बॉलिंग दिया, तो आने वाले मैच में ए प्रिंस आपको और भी बॉलिंग करके दे सकते हैं, तो फोकस आप रख सकते हैं। रिक्सी ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका सिलेक्शन 25% है सिर्फ, बट यदि चल गए तो आपके लिए ना टोटली वन साइडेड काम करके जाएंगे। नीचे दोस्तों टी वार्ड यदि खेलता है तो बहुत शानदार ऑप्शन है, टी वार्ड और केएल दोनों में से कोई भी खेल जाए या दोनों खेल जाए ना मस्ट पिक है, सभी टीम में ले लेना है। मान के चलो दोनों खेलता है तो आप किसके जगह लगोगे, तो ऊपर से ये दोनों को ड्रॉप करना और ये दोनों को आप पिक कर लेना, बहुत सिंपल है। चल अब आइएगा दोस्तों इधर हम लोग बॉलिंग सेक्शन में आ जाए, बॉलिंग सेक्शन में डी सोलोमन को आप पिक कर लीजिए, मस्ट पिक है, दो ओवर का आपको बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं। नीचे दोस्तों आपको थेड्रुइन का ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपको दो ओवर का कंफर्म बॉलिंग करके देगा, इनको भी दोस्तों आप लेके चलो। डीप एपसिट भी दोस्तों आपको दो ओवर का कंफर्म बॉलिंग करेगा और एक स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर है, लेके चलिए। C14 भी दोस्तों आपको दो ओवर का बॉलिंग करेगा, इनको भी आप टीम में ले लो। और लास्ट ऑप्शन नीचे से बी सैड्स, ये दोस्तों जो पांच प्लेयर है ना बॉलिंग सेक्शन से मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पिच पे। यदि दोस्तों विकेट चाहेगा तो हाई चांस रखिएगा, यही मैक्सिमम बॉलर में से विकेट मिलने वाला है। नीचे और ऑप्शन के लिए मेरे पास एक आर मोरिस का बढ़िया ऑप्शन है, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों आर मोरिस को हो सकता है मैं पिक कर लूँ ए प्रिंस को ड्रॉप करके आर मोरिस को। चलो मैं अभी ना आर मोरिस को ही टीम में जगह दे रहा हूँ, ए प्रिंस को नहीं लिया हूँ, लेकिन ये रोटेशन आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्रिंस और आर मोरिस पे, ठीक ना। कर लेते हैं दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो कैप्टन जे चार्ल्स बीसी में जा रहा हूँ एक्स गैब्रियल के साथ, आप चाहो तो ए प्रोस्पर को भी बीसी कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दोस्त इस टीम को सेव कर लीजिए और इस टीम के साथ जो भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं करके रखिएगा, ठीक ना। और हाँ एक चीज़ और, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई चेंज करना होगा इस टीम में, यदि कोई प्लेयर दोस्तों न्यू स्क्वाड में ऐड होकर आता है उनका रिकॉर्ड शेयर करना हो तो सभी कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का भी घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों ना आने वाले सभी वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।